सीबीसीएस के रिजेक्शन को लेकर यहाँ दिल्ली के डीयू, जेएनयू और जामिया जैसे अलग अलग कॉलेज के बच्चे जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कि सीबीसीएस मामला क्या है और इससे बच्चों को कितना नुकसान होगा। कि जो सीबीसीएस जिस तरह से लागू किया जा रहा है, क्या लगता है इससे बच्चों को कितना नुकसान होने जा रहा है? सारा नुकसान तो बच्चों को ही होगा। आप देखिए, फोर ईयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को अचानक से थोप दिया गया, स्टूडेंट्स के करियर को गिनी पिग बनाया गया, एक साल जबरदस्ती चले, उसके बाद बड़ा मूवमेंट हुआ तो उस सरकार को वापस लेना पड़ा। सीबीसीएस और कुछ नहीं है, एफआईयूपी का बैकडोर एंट्री है। तीन साल का ये, मैंने चार साल का जगह तीन साल है, लेकिन पैटर्न सेम है। आपके एकेडमिक कंटेंट को डाइल्यूट करेगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में आएगा ऑनर्स कोर्स को डाइल्यूट करेगा एकदम एफआईयूपी का जैसा। कुछ और इलेक्टिव कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और जो एकेडमिक स्पेशलाइजेशन है उसको घटाया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लागू होने वाला है नेक्स्ट सेमेस्टर से। कोर्सेस कहाँ हैं? हमारा तो मुख्य सवाल ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से कि क्या पढ़ाया जाएगा, ये पता तो चले, ये इतना छुपाया क्यों जा रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी टीचर को नहीं पता कि वो क्या पढ़ाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर से। स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको क्या पढ़ाया जाएगा। एकेडमिक कम्युनिटी से छुपा के क्या थोपने का कोशिश किया जाएगा? कोई कोर्स तैयार नहीं है। 50 से ज़्यादा स्टाफ एसोसिएशन इसको रिजेक्ट कर चुका है, डीयू टीचर्स एसोसिएशन इसको रिजेक्ट कर चुका है, ज़्यादातर छात्र संगठन इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। किसके डिक्टेट से लागू करवाया जा रहा है? सीबीसीएस का जो पूरा पैटर्न है वो ये है कि आपके ऑनर्स के टोटल कंटेंट को घटाया जाएगा, उसके जगह कुछ अधिक आपको बोला जाएगा कि आपको चॉइस दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल चॉइस नहीं है। चॉइस तो तब होगा ना कि जब आपके पास ये ऑप्शन रहे कि आप आपके ऑनर्स के बाहर ये अधिक कोर्सेस, इलेक्टिव या स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस ऑप्ट करना चाहें या ना चाहें, आपको करना ही होगा और एट द कॉस्ट ऑफ योर ऑनर्स। तो इसीलिए हम, और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, देश के बाकी जगहों में भी ये ज़बरदस्ती थोपने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों का ये साफ मानना है कि ये सीबीसीएस जो है सरकार का ये राजनीतिक एजेंडा है। राजनीतिक एजेंडा ये है कि देश के पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि 2015 अंत तक हमारी देश की सरकार WTO गैट्स में जाके उच्च शिक्षा को एक ट्रेडेबल सर्विसेज के बतौर बेच के आने वाली है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे देश में जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ख़त्म हो, बर्बाद हो, तभी जाकर प्राइवेट और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर पन पाएंगी। और उसके लिए हमारे भविष्य के साथ, हम सीधा कहना चाहते हैं कि इस देश के छात्रों का भविष्य किसी भी सरकार के राजनीतिक एजेंडा के लिए बिकाऊ नहीं है। हम ये जो कोर्स है सीबीसीएस जो है वो क्या इसी साल से लागू किया जाए? हाँ, जबरदस्त नेक्स्ट सेमेस्टर से, जुलाई से जो बच्चे आएंगे उनके ऊपर लागू होगा। किसी को नहीं पता कि क्या पढ़ाया जाएगा, ये कैसे संभव है किसी? अच्छा, दो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि सीबीसीएस का कोर्स बना कौन रहा है? क्या जो लोग पढ़ा रहे हैं वो बना रहे? नहीं, कोई भी एकेडमिशियन सीबीसीएस के कोर्स को बनाने में एंगेज नहीं किए गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो नहीं तय कर रहे हैं सीबीसीएस में क्या पढ़ाया जाएगा, तय हो रहा है बंद दरवाजे के पीछे एमएचआरडी में। माने आज पॉलिटिशियंस, मैंने जिन पॉलिटिशियंस के डिग्री को लेकर इतना डिबेट चल रहा है, वो पॉलिटिशियंस, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर जो सदियों से एक कोर्स को बनाए हैं, पढ़ाए हैं, खुद पढ़े हैं, वो नहीं बनाएंगे। पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स आज सिलेबस बनाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उनका कहना था जिस तरीके से इस कोर्स को बच्चों पे थोपा जा रहा है, जिस तरीके से देखा जाए कि इन बच्चों का भी कहना है कि इनकी भी कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई मंजूरी नहीं है। इवन एकेडमी से जुड़े हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी इस कोर्स से वो नाखुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस कोर्स को लागू किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वहीं जहां तक इन बच्चों का कहना कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट को देखते हुए इस कोर्स को बच्चों के ऊपर थोपा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके फ्यूचर को लेकर सवालिया निशान है। मैं जागती सिंह, कैमरा पर्सन अंकित के साथ, मुंसिफ टीवी दिल्ली।